बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है और मनोज तिवारी को सुझाव देते हुए इस ट्वीट में नजर आए हैं। संजय सिंह ने ट्वीट में सुझाव दिया है कि एमसीडी की जो पार्किंग है उसको फ्री किया जाए। ये बात कही गई है संजय सिंह के द्वारा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। उन्होंने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करके मनोज तिवारी को सुझाव दिया है कि एमसीडी क्योंकि बीजेपी के हाथ में है तो एमसीडी जो है दिल्ली में वो पार्किंग फ्री करे। तो ये ट्वीट का दौर जो है वो लगातार जारी है क्योंकि चुनाव की डेट सुनिश्चित हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं नेता भी ट्वीट के जरिए अपने भाषण के जरिए बयानबाजी के जरिए एक दूसरे पर वार पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। उसी बीच ये ट्वीट सामने आया जिसमें संजय सिंह ने ट्वीट कर ये सुझाव दिया है मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी को कहा है कि एमसीडी दिल्ली में पार्किंग फ्री करे, ऐसी बात कही गई है। और आम आदमी पार्टी कह रही है हमने पानी फ्री कर दिया, हमने बिजली 200 यूनिट फ्री दे दी है, तो आप भी कुछ फ्री करके दिखाइए। ये बात साफ तरीके से कही गई है ट्वीट के जरिए और ये कहा गया है कि एमसीडी में एमसीडी दिल्ली के पास है तो दिल्ली बीजेपी ये करे कि एमसीडी जो है दिल्ली में जहां जहां पार्किंग है एमसीडी की वहां वहां पार्किंग को फ्री करे। ये बात संजय सिंह द्वारा कही गई है। तो आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने सुझाव दिया है ट्वीट के जरिए मनोज तिवारी को जो कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे कहा है कि क्योंकि एमसीडी बीजेपी के पास है तो बीजेपी ये करे कि एमसीडी के तहत कहके जितनी भी पार्किंग एमसीडी की वो सब फ्री कराए। ये बात संजय सिंह द्वारा कही गई है। तो चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में ऐसे वार पलटवार लगातार एक के बाद ले राजनेता जो है ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट के जरिए एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और सुझाव देते हुए भी नजर आए हैं। ये हम बात कर रहे हैं संजय सिंह के ट्वीट की। तो संजय सिंह ने ट्वीट कर मनोज तिवारी को सुझाव दिया है और कहा है कि एमसीडी की जो पार्किंग है वो दिल्ली में फ्री की जाए। तो विश्वजीत झा संवाददाता हमारे से जुड़ चुके हैं। विश्वजीत, साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वक्त जो समय चल रहा है वो चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया और लगातार वार पलटवार। एक सुझाव और कि हमने तो बहुत कुछ फ्री दे दिया, एमसीडी भी कुछ फ्री दे। देखिए, निश्चित रूप से पलटवार है और ये चूंकि दिल्ली में बीजेपी अलग अलग जगहों से लोगों से सुझाव मांग रही है कि वो बताएं कि सरकार जो आने वाले समय में बीजेपी जो नई सरकार बनाएगी या मैदान में चुनाव मैदान में जाएगी तो उनके क्या सुझाव है, और उसी के तहत संजय ने ट्वीट करके ये एक सुझाव कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काफी चीजें मुफ्त की है और दिल्ली में बीजेपी चूंकि नगर निगम में है तो नगर निगम को इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि दिल्ली में पार्किंग अब फ्री कर दी जाएगी। नगर निगम के तहत बीजेपी को यह घोषणा करनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि घेरने की कोशिश है, जो भ्रष्टाचार के आरोप पार्किंग में लगे हैं उस पर भी एक तरह से कह सकते हैं निशाना है, क्योंकि पार्किंग एक कमाई का बड़ा जरिया माना जाता है और नगर निगम के भी कमाई का जरिया है और जो उससे अवैध कमाई है उसका भी जरिया माना जाता है। तो एक तीर से दो निशाने साधे हैं। देखना होगा कि बीजेपी के नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन संजय सिंह ने ट्वीट कर कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की है और एक मामले को तूल भी दिया है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विश्वजीत।